टैटू डिसाइड हो रहा है। Welcome to my YouTube channel, The Brown Daughter. I'm Janu Tiwari and I am vlogging today. So, अभी 5:30 बज रहे हैं and 6 बजे की हमारी ट्रेन है. We are going to Mumbai. थोड़े बहुत इवेंट्स हैं and my friends will be joining me tomorrow. So, I am super excited. We are going to be creating some good content there as well. So, चलो, let's go. गुड मॉर्निंग वो कौन सा दिलजीत दोसांझ का है? जूसी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सो वी आर एट द स्टेशन, चलते हैं और मैं तो सो जाऊंगी। हाँ, पोहा लेके खा के सो जाऊंगी। एक्चुअली ना मैं जैसे उठती हूँ विदिन 15 to 20 minutes मम्मा ना मुझे भाकरी और चाय दे देती है, तो मुझे सुबह सुबह ही खाने की आदत है एज सून एज आई गेट अप। सो आई एम हंग्री। वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल इवेंट टू अटेंड टुडे। आई एम सुपर एक्साइटेड। एकदम हीरोइन बनेंगे दोनों मिलके। तो चलते हैं एंड इट फील्स सो गुड टू हैव अ प्लेस इन मुंबई गाइस। इतनी बढ़िया सनलाइट आ रही है ना, मस्त वाइब है and everything is white as well, like whitish grayish. I love Indian trains. बहुत मजा आ गया और अब हम और मजा लेंगे। And we are here. Let's go to our apartment. कितना अच्छा लगता है। नहीं तो अभी हम देख रहे होते हैं कौन से होटल में जाना है, होटल वाले इतने जल्दी जाने नहीं देंगे, चेक इन नहीं मिलेगा ये वो। एंड वी हैव रीच्ड। मस्त लग रहा है आके, सब कुछ एकदम क्लीन छोड़ा था लास्ट टाइम दीदी आई थी तो। सो इट फील्स गुड। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू पुट ऑन सम ब्लश एंड गो एंड ईट समथिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वो पोहा काफी ओके था तो हमने पूरा कम्प्लीट भी नहीं किया था। सो चलो लेट्स गो ईट समथिंग। एंड ऑल्सो मुझे एक और चीज बताओ, आई एम अ पर्सन जो कहीं पे भी सो सकता है, लाइक लिटरली 2 मिनट 5 मिनट की नींद मिले ना तो भी मैं ले लू। वॉट काइंड ऑफ अ पर्सन आर यू? यू कैन ऑल्सो स्लीप एनी वेयर थोड़े टाइम के लिए, या फिर आपको एकदम प्रॉपर शांति चाहिए, माहौल चाहिए सोने के लिए? लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। दिस इज नॉट अ पर्सन हू कैन स्लीप एनी वेयर एनी टाइम, बट आई एम कम्प्लीटली ऑपोजिट। तो मेरी नींद थोड़ी पूरी हुई है क्वार्टर्स में, बट ठीक है चल जाएगा टाइप्स। दूध भी लेके आते हैं क्योंकि ऑफकोर्स चाय बना के पियेंगे गाइज। सो यस, एंड कल सुबह मेरे बेस्ट फ्रेंड्स आ रहे हैं, ऋषि एंड यशवी विल बी जॉइनिंग अस। आई एम सुपर एक्साइटेड। सो थोड़ा बहुत ब्लश लगा लिया है एंड मेरी एनर्जी ना बहुत ज्यादा लो होगी, लाइक आई लिटरली कांट टॉक राइट नाउ, इतनी लो एनर्जी होगी मेरी। सो लेट्स गो, लेट्स पुट सम फूड इन आवर सिस्टम एंड फिर हमें तैयार भी होना है। आज अवार्ड है और उसमें हम जाने वाले, दिस इज गोइंग टू माई फर्स्ट अवार्ड फंक्शन दैट आई एम हेडिंग टू। और मैंने ना पान नहीं खाया है गाइज, मैंने ना ऐसे ब्लश टिंट जो आता है वो ऐसे लगाया ताकि मेरे लिप्स एकदम नेचुरल कोरियन टाइप्स लगे, क्यूट लगना था। कहाँ ऐसा लग रहा है पान खा के आ गई हूँ। चलो क्या कर रही है? मैं एक बैंड्रा का मैंडेट बताती हूँ, ठीक है? ये मैंने ऑब्जर्व किया है, ये करने से आप बैंड्रा के सिटीजन लगते हैं। चाहे आप घर के अंदर बैठे हो, चाहे आप घर के बाहर बैठे हो, चाहे आपकी मौत आ रही हो, चाहे आप जी रहे हो, आपके गॉगल्स नहीं उतरने चाहिए। मैं खासकर गॉगल्स लेके, मैं गॉगल्स लगा नहीं पाती, मैं भूल जाती हूँ, जस्ट टू ब्लेंड इन बैंड्रा वालों की तरह दिखने के लिए। ये देख लो आपको, इन कोकोनट मिल्क आलमंड मिल्क तो मुझे पसंद नहीं है ज्यादा गाइज। मुझे चाहिए गाय का दूध। आई कांट बी वीगन। दूध, दही, घी, छाछ, चीज, ये सब मेरे बहुत प्रिय है गाइज। दीज आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। Just leave now. I'm super hungry. I also have an award night to go in today.
पता मुझे अवार्ड नाइट टू गो इन, हमें कोई अवार्ड नहीं मिल रहा यार, कोई अवार्ड तो दो यार, कम ऑन, अवार्ड तो बनता है, ऐसा चश्मा भी लगा लिया है, बैंड्रा गर्ल भी बन गया, अवार्ड सब मिल रहा है मुझे। नहीं नहीं, हमें इनवाइट किया गया एंड मैं तो उसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। आई सी अ लॉट ऑफ पीपल आर वे मोर डिजर्विंग देन मी, आई फाइंड लाइक इतना भी कैमरा रखते बोलेगी ये सब मैंने अच्छा लगने के लिए बोला। नहीं नहीं, तो मेरे को ऐसा लगता है ना, आई एम वेरी यंग इन दिस इंडस्ट्री, अभी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत टाइम से हैं पहले से एंड दे डिजर्व इट, इट इज देयर चांस। डिजर्व नहीं करती, चश्मा तो लगाने रखा तुमने, क्या डिजर्व करेगी तुम। एंड वी हैव फ्रेश पाइनएप्पल जूस। वी आर बैक एंड मैं ना अभी ये सारे जो कपड़े हैं इनको मैं अच्छे से अंदर लगाने जा रही हूँ, और दीदी वहाँ पे फ्लावर्स को कट करके वो वाज में लगाने जा रही है, हम लेके आए थे, सो लेट्स डू दिस। हम ना थोड़ी सफाई कर रहे थे, मेरे को गट में दुख रहा है मम्मी, और मैं हवा में लेट मी गिव कॉन्टेक्स्ट, हम वहाँ पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे ना डस्टबिन है, तो बेसिकली वो सूखे फ्लावर्स हम फेंक रहे थे तो उसका एकदम छोटा 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 रेसिड्यू जो होता है ना वो रह गया। मैंने सोचा खिड़की खोल के बाहर कर देती हूँ, खिड़की खोली और इतनी बड़ी छिपकली अंदर अंदर और जाननी हवा में, और मैं बताती हूँ मैं कहाँ थी, मैं प्लेटफॉर्म पे दोनों हाथ रख के पाओ हवा में, मैं ऊपर की साइड दौड़ी छिपकली, मैं देख रही हूँ मैं दौड़ रही हूँ मेरे बाजू में छिपकली दौड़ रही, हम दोनों स्कूल में रेप होती है अब हम चलेगा, अब हम दो अकेले नहीं है, हमारे साथ एक छिपकली भी है। चल ठीक है, तो हमने काम वाम कर लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू वॉश माय हेयर, क्योंकि हेयर स्टाइलिस्ट आएंगे एंड अगेन बहुत सारे हीट प्रोडक्ट्स यूज होने वाले हैं, सो मैंने सोचा चलो थोड़ा हेयर केयर कर लेते हैं। एंड आई ऑलवेज बिलीव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट राइट फॉर योर स्किन एंड हेयर टू बी हेल्दी, एंड आलमंड इज वन ऑफ द सुपर फूड जो हमारे दिमाग के साथ साथ बालों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन ई एंड एसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारे हेयर को एकदम हेल्दी रखने में हेल्प करता है, एंड आलमंड ऑयल इज रियली गुड अगर आपको आपके बालों को सॉफ्ट रखना है, स्ट्रेंथ देना है, सूथ करना है, एंड ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू मॉइस्चराइज योर स्कैल्प इट वर्क्स रियली वेल। एंड हेयर केयर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है वो है चंपी, हेयर ऑयलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई ऑलवेज ऑयल माई हेयर बिफोर आई वॉश एंड फॉर दैट आई यूज दिस, ये है बजाज आलमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल, आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर इयर्स, मम्मा मुझे स्कूल टाइम पे भी इसे चंपी करके दिया करती थी, दिस इज नॉन स्टिकी विच मीन्स नो चिप चिप एट ऑल, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर विटामिन ई है एंड आलमंड ऑयल है, आई हैव बीन यूजिंग दिस फॉर इयर्स एंड आई एम इन लव विथ इट, सो गाइज यू शुड ऑल्सो ट्राई इट आउट, ये फ्लिपकार्ट एमेजोन सब जगह आपको मिल जाएगा, मैं डायरेक्ट परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से भी परचेज कर सकते हो, एंड या ट्राई जरूर करके देखना अगर आपने अभी तक इसे ट्राई नहीं किया है। सो दीदी ना पीछे सो रहे हैं एंड मैं हेयर स्टाइल करवा रही हूँ, मैं एकदम सिंपल से सॉफ्ट कर्ल्स करवाऊंगी एंड आई होप टिक जाए, लेट्स सी हाउ दैट गोज। और हमेशा के लिए मैंने कुसुम आंटी को बुलाया है, ये मेरे बहुत अच्छे हेयर स्टाइल करते हैं, सो चलो। मेरे ना कर्ल्स हो गए हैं लेकिन अभी मैंने बहुत टाइट कर्ल्स करवाए हैं क्योंकि मेरे बाल बहुत ज्यादा सिल्की हैं और वो कर्ल्स होल्ड नहीं करते हैं, एंड अभी काफी ज्यादा टाइम है सो लेट्स वेट फॉर अ वाइल, और फिर हम इसको ओपन भी कर सकते हैं बाद में, बट मुझे लग रहा है खुद ही ओपन हो जाएंगे, लेट्स सी। एंड आई एम गेटिंग रेडी, मैंने ना लेंस पहन रखी है, आई थिंक मैंने आप लोगों को बताया था, एंड आई एम लविंग द होल लुक आफ्टर लेंस, बहुत टाइम बाद मैंने लेंस पहनी है, एंड इट इज अ नाइट इवेंट तो सब लोग थोड़ा एक्स्ट्रा मेकअप एंड यू नो नाइट इवनिंग टाइप ऑफ मेकअप करके आने वाला है, आई होप मेरा अच्छा लगे।
पहली चीज आई नीड टू टेल यू ऑल गाइस दैट आई कांट सी एनीथिंग एनी मोर टुडे। मेरा ना मुझे वैसे भी लग रहा था कि मुझे चश्मे आ गए, मुझे चीजें नहीं दिख रही थी। आज मैंने लेंसेस पहन लिया और लैशेस पहन लिया, सो आई एम ब्लाइंड टुडे। मुझे आज मैं अपने आप में फिल्म फेयर की अवार्ड लग रही है। एंड हम कब से यही कर रहे हैं, एक दूसरे को ये कुछ करके दे दिया मेरा, मैं इसका कुछ करके दे रही हूँ। मोस्ट चमक रही है यार। शोइंग आवर आउटफिट्स टू मम्मा, कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं मम्मी, मिस यू। एंड गाइज वी आर रेडी, लेट्स गो। मैंने आपको मेरा आउटफिट फुल दिखाया नहीं पता नहीं, बट आई एम वेयरिंग दिस पिंक, दीदी इज वेयरिंग ऑल ऑफ दिस। दीदी को हील्स पहननी बाकी है, बहुत प्रिटी लगी। हाई स्टेप डोनर, मौत आ गई गाइज। सो गाइज दैट्स माई आउटफिट विद दिस क्यूट हार्ट बैग एंड पिंक हील्स। आई होप यू फील बेटर सून दीदी, एंड लेट्स गो। एंड मैंने और दीदी ने फोटो लिया, लेट्स सी हाउ इट टर्न आउट। ओ आर, ये बहुत प्रिटी लग रही है। सो वी आर ऑन आर वे टू सेंट रेजिस होटल, वहाँ पे है फेमिना एक्स मामा अर्थ अवार्ड्स, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। दिस इज माई फर्स्ट अवार्ड नाइट, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। मैंने सुना है वहाँ पे रेड कारपेट या कुछ होता है, सो I'm excited to see how it goes. Are you? Same boss, same. And we have reached. Guys, meet the beautiful. ऐसे ही ना अच्छा लगता है ना शालिनी दीदी से मिलके। हाँ, कैसा लगता है? बहुत ज़्यादा। कुछ कुछ होता है। आप नहीं समझोगे। आप नहीं समझोगे। Hi. Hello. Hi, look, she's looking so pretty. Thank you. Thank you. Hello, look at this gorgeous person. So pretty. Hello. Guys, look at this. They're so cute. Legit couple goals. है ना, legit couple goals. यहाँ पे बढ़िया content बन रहा है. Look at this hottie, hi! Guys, Aditya Roy Kapoor हमारे आँखों के सामने है। My reels are filled with this guy and this guy is in front of me. Goddamn pretty, अलग ही वाइब है। हाँ, एकदम अलग वाइब, डीगा फुल ऑन, एकदम नया मेकओवर ही आ गया है। ये देख रहे हो, कोइंसिडेंटली काइंड ऑफ ट्विनिंग। Guys, we are back home. The event was really good. My eyes बहुत ज़्यादा pain कर रही हैं. I just want to crash. I'm going to see you all tomorrow. बहुत मज़ा आया event में. It was a beautiful event. My eyes are literally paining right now. मैं उनको खोल नहीं पा रही. Okay, bye. Good morning. It is the next day. My friends are here, but everyone is too sleepy that I can vlog them. But अभी हम बना रहे हैं चाय. I feel so good. My friends are over and we will be heading out. हमारा दिन ही start हो रहा है shopping करने से, so let's have some chai and then step out और मस्त shopping करते हैं, खाते पीते हैं, enjoy our day. And शाम को also we have to go to one event which is with Meta and we are going to listen to a new song release from Anuv Jain. I'm super excited. I am अब Anuv Jain की fan. मैंने उनके बहुत सारे गाने सुन लिए and I really like it. So I'm excited for this new one as well. So let's start our day.
एंड वी आर ऑल रेडी. हम लोगों ने नहाया नहीं है, हम बाद में आके नहाएंगे, बट सब बहुत सिंपल है. मैं बताती हूँ सब झूठ बोल रहे हैं. रात को मैं नहाई हूँ, तो वैसे तो कल रात में मैंने भी नहाया था, बट अभी हम बाहर जा रहे, बाहर बहुत ज्यादा धूप होगी और हम स्ट्रीट्स पे जा रहे हैं, शॉपिंग करेंगे, आके मस्त आएंगे और वापस दीवा बनेंगे. लेट्स गो. एंड वी आर हियर फॉर ब्रंच. मैं ना अलग ही खुश हूँ क्योंकि मेरे से फेवरेट लेडीज है मेरे साथ, तो मैं अलग ही बज रही हूँ सुबह से. बज रही हूँ मतलब ऐसा कहना चाहती है कि गीतांजलि आंटी की फेवरेट नहीं है. मेरे दिमाग में भी सेम यही आया था. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एज ग्रुप. तो मम्मी को बुरा बोल रही है. आंटी को मैं बताऊंगी. आंटी को बेकार है. Look at this pretty top. Each is the tie around there. Lele. Very nice. Guys, I'm getting this. So pretty. और हमने बहुत सारी शॉपिंग कर दी है एंड आप इमेजिन नहीं कर सकते हम इतने ज्यादा रेले उतर रहे रेले. तो हम जाके मस्त फ्रेश होंगे. मजा आ गया लेकिन शॉपिंग करने में. प्लीज आओ ऐसे एकदम झल्ली बन के और जाके वापस आपको पूरा तैयार रहा. सो मैंने नहा लिया है, मस्त तैयार हो गए हैं एंड वी आर हेडिंग टू द मेटा ऑफिस विच इज इन BKC टू अटेंड द अनुव जैन वाला होल थिंग. आई एम सुपर एक्साइटेड, सो लेट्स गो. और आज ना मैं और दीदी बिल्कुल ही अलग लग रहे हैं. मैंने एकदम ब्राउन एंड ब्लैक वाइब में गई हूँ एंड दीदी शो योर आउटफिट एंड लुक एट हर वेयरिंग ऑल पिंक. And here we are. We are done with the event. बहुत क्यूट है ना. और मुझे ना थोड़ा अच्छा लगता है ऐसे जो लोग बहुत अच्छे से सबसे बात करते हैं ना उनसे मिलकर. एंड ही वॉज टॉकिंग टू एवरी पर्सन. इट इज दी नेक्स्ट डे. कल मस्त पार्टी वार्टी की हमने एंड आज चल रही है एकदम साफ सफाई. यहाँ पे झाड़ू मार रहे हैं, पीछे पोछा मारा जा रहा है, सारी चीजें व्यवस्थित कर रहे हैं, कचरा वचरा निकाल दिया हमने एंड इट इज अ गुड डे. ना चार लड़कियां रह रही हैं, कल पांच भी थी एंड इतने बाल हैं फ्लोर पे. विग बन सकता है विग. एंड वी आर ऑल रेडी, मस्त काम कर लिया है एंड सब हीरोइन भी बन गए. वी आर स्टेपिंग आउट. हम ब्रंच करने जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लग रही है हमें और सुबह हम थोड़े लेट उठे थे, काम वाम करने लग गए. सो वी आर डिलेड बट लेट्स गो. मुझे वॉच पहननी है आज के इवेंट के लिए. दीदी को ये आउटफिट पहनना है और इसे आयरन करवाना है. मुझे कोई आइडिया नहीं होता है मैं कौन से कैफे जा रही हूँ. मैं बस बैठ जाती हूँ, दीदी मुझे कोई नए अच्छे अच्छे फैंसी फैंसी प्लेसेस लेके जाती है, फिर बताती है ये जानवी कपूर का फेवरेट है, यहाँ पे सारा अली खान आती है, ये आती है, वो आती है. ये देखो मैं और यश्वी यहाँ पे टैटू आइडिया सोच रहे हैं एंड लिटरली हमने बेस्ट टैटू आर्टिस्ट ढूंढा हमारे आसपास. आल्सो जुगल हैज कम. जुगल इज नॉट ओके विद अस. दस मीटर दूर है, इतना अच्छा 4.9 रेटिंग. खाली 10 मीटर दूर है, हम टेक्निकली यहाँ पे ही हैं. सो लेट्स गो. दीदी हमें ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है, जुगल तो बिल्कुल ही नहीं कर रहा है, बट हम फिर भी जाएंगे और टैटू कराएंगे. एंड हियर वी आर. गाइस ये दोनों मिलके डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा प्लेसमेंट क्या होगा. वी हैव वन ऑन हियर एंड वन ऑन हियर. हियर गाइस लो. ऐसा हमारा टैटू डिसाइड हो रहा है. जिंक्स हो रहा है. नेक्स्ट वन जो भी है ना.
नेक्स्ट वन जो भी होगा वो डिसाइडिंग है। मैं तेरी टीम में हूं, इसकी टीम में। ठीक है जुगल कम ऑन, जीत गया ये। आई एम गेटिंग इट हियर। पहले यहाँ डिसाइड किया था यहाँ पे, बट जानवी वाज नॉट राइट। हम दोनों का प्लेसमेंट बहुत अलग आ रहा है, yes. तो आई डोंट लाइक दैट। यस एंड यशवी ऑलवेज वांटेड इट इधर हियर और यहाँ पे। सो यशवी, इज दिस योर फर्स्ट टैटू? यस इट इज। आई एम टैटू done with the tattoos. It looks so good. And now let's go. Ekdam impulse. Haan, hume subah pata nahi tha hum tattoo karwayenge. Sixth floor. We are going to कोच का इवेंट। आई रियली लाइक कोच। बस प्रे करो कि मैं आज कुछ खरीदू ना वहाँ से। Let me show my outfit. It's a cute pink dress with green bag and green heels जो अभी अभी अश्वी की पहन लिया इसने। Your turn. T-shirt, shoes, chappal, and my tattoo. Tattoo? I knew it. You're going to do. Okay, so that's my outfit. Basic, cute. Basic? No, I mean. Not basic. इसको basic बोलते हैं. Yes. Sorry. इसको basic. Pretty pink outfit with brown heels and brown bag. Let's go. हाय, हम ना घर आ गए। ऋषि को नहीं पता हमारे टैटू के बारे में। सो लेट्स सी हर रिएक्शन। हाय लाइट ये सारी हो गया, मुझे कुछ ऑब्जर्व करना है। बहुत अच्छा है गाइस। अभी फोन रख के कैमरा बंद थी, थोड़ा टेढ़ा होता तो ज्यादा अच्छा लगता। एंड वी आर हैविंग सम पाव भाजी। फाइनली ये लोग इंडियन के लिए मान गए। यम।